आखिर क्यों 15 सितंबर यानी कि कल के दिन जो धरती खत्म होने की बात लोग कर रहे थे वो क्यों नहीं हुई। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने पहले ही ये क्लेरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बस सोशल मीडिया पर हवा चला है लोगों का, ये बस लोग फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। बट उसके बाद भी काफ़ी लोगों के बहुत सारे डाउट थे, उस डाउट को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि ये केस आखिर पूरा था क्या। देखो, नासा के अकॉर्डिंग 15 सितंबर 2024 यानी कि कल के दिन बीता हुआ कल के दिन बेसिकली एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से गुजरने वाला था। एंड बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ये बताया था कि अगर एस्टेरॉयड अपनी थोड़ी सी भी पोजीशन चेंज करता है तो इससे पृथ्वी पूरी तबाह हो जाएगी। वेल, इससे बहुत सारे लोग डर गए थे कि यार हाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। बट फॉर श्योर मैंने आपको ये बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नासा का बस ये कहना था कि अगर पोजीशन चेंज होती है तो ऐसा हो सकता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, देखो यार, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि ऐसा हो। पिछली बार जब आपने देखा था, पिछले दशकों में आपने देखा था, तो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी पृथ्वी से। बट मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखो यार, बहुत सारे लोग बहुत चिंता में आ गए थे इस चीज़ के लिए। बट देखो ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कटु सत्य मानते हो आज के टाइम पे, तो आपके साथ ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अभी के टाइम पे अगर आप इंस्टा की रील्स देखते हो तो यार ऐसे ही फेक न्यूज़ स्प्रेड होती रहती है। बट अगर आप उन पर बिलीव करते हो तो यार सबसे बड़ी मूर्खता आप खुद करते हो। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पृथ्वी का विनाश क्यों नहीं हुआ और जो ये न्यूज़ थी वो फेक थी या नहीं थी। देखो, न्यूज़ तो फेक नहीं थी, एस्टेरॉयड बेसिकली अर्थ से गुजरने वाला था। बट नासा ने ये क्लेरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अर्थ पर तबाही नहीं होगी, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अगर आपको ये केस समझ आ चुका है तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी का देखो यार, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव मत किया करो। एंड कॉमेंट कर देना कि आप क्या सोचते हो इसके ऊपर।